जम्मू कश्मीर सरकार ने अब तक पत्थरबाजी के 1745 मामलों में 9730 युवाओं पर दर्ज केस वापस लिए। इनमें 2008 से 2017 के बीच पत्थरबाजी के मामले और पहली बार पत्थरबाजी करने वाले युवाओं पर दर्ज केस शामिल हैं। राज्य विधानसभा में विधायक आरएस पठानिया, शेख इशफाक जब्बार और अंजुम फाजली के सवाल के जवाब में कल मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने लिखित में ये जानकारी दी। 2016 और 2017 में 3773 मामले दर्ज किए गए, कुल 11290 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दो साल के दौरान सबसे ज्यादा 2330 लोग श्रीनगर से गिरफ्तार किए गए, बारामूला से 2046, पुलवामा से 1385 और कुपवाड़ा से 1123 लोगों की गिरफ्तारी हुई। पत्थरबाजी की घटनाओं में 56 सरकारी कर्मचारी, 16 हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं समेत 4949 लोग शामिल पाए गए। 4074 लोग किसी भी अलगाववादी आतंकवादी संगठन से संबंधित नहीं थे। सरकार ने मामले वापस लेने के लिए कमेटी का गठन किया था। कमेटी की सिफारिश पर कुछ शर्तों के साथ मामले वापस लिए गए हैं।